हरे कृष्ण वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांस श्री रूपं सागर जातम सगन रघुनाथ नितम तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखानितांस ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे वहीं पर रख लो कोई बात नहीं गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्ते श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभवे श्री महात्मने शास्त्र युक्ति ततस्तत्र विप्रति प्रतिनाशने श्री सार सत गौड़ियाधीश सेवा प्रकाशने ब्रह्म सूत्र सूत्र स्मृत गौड़ीय भाष्यकारिणी ततस्तत्र विप्रति प्रतिनाशने सरस्वत गौड़ियाधीश सेवा प्रकाशने वैष्णवाचार्य देवाय नित्य कल्याणदाय नाम विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण के नामने श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्ष औदार्य माधुर्य गुणैः युक्तम् परम वरेण्यं पुरुषमहात्मनः नारायण स्वाम शिरसा नमः नामयं विष्णुपादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्त चरित्राय स्वसिता नञ्च बालिने जीव दुखे सदा त्राय श्री नाम दायिने नामयं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने त्रिवार्षभानव देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण समर्थ विज्ञान दायिने प्रभु नाम माधुर्य जल प्रेमार्ज श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा सन्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दिनतारिणि श्रीरूपानुगविर्भाव सिद्धान्त दन्तहारिणि नमः गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बरसाम्बदे पादौजायते नमः नाम भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनाम्ने गौरशक्तिस्वरूपाय कृपानुगमराये गौरवाविर्भावमिश्रितं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णवसार्वभौमश्री जगन्नाथाय ते नमः जयतां श्रुतौरुपङ्गोर्मम मन्दमति गति मत्सर्वस्वपादाम्बुजं श्रीराधामदनं दीपदवृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागारसिंहासनस्थौ श्री श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेवो श्रेष्ठलिङ्गीसर्वमागस्मरामि श्रीमान् राजसरमे वंशीवाटतटस्थितौ कर्षणवेणुसनैर्गोपि गोपीनाथस्तु न वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवतये नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द हरियाद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
राम राम हरि हरि दावानाला साम संसार दहनी दग्ध जीवा कुला उधार कारणी करुणा वारी कृपा वारी Okay.
Thank you.
Bye.
Thank you.
सामने आ जाओ, आपका वीडियो होगा। हाँ, पूरा वीडियो, बंद नहीं करा रहा हूँ, पूरा शुरू से छोटा स्क्रीन। आगे आगे आ सकते हैं। हाँ, सही है। उनके पास में। हरे कृष्णा। हाँ, मैं पाँच मिनट बोल देता हूँ। हरे कृष्णा, हरी बोल। हाँ, 5 मिनट सुन लो, उसके बाद में फिर बोल दो। ओम अज्ञानतिमिरां धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै यस्तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम
बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्मा नितलीला प्रविष्टम विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर बहुत बहुत कुछ बात है, कल इसको हम अच्छे तरह से पढ़कर बताऊँगा। जब परीक्षित महाराज ने श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रश्न करते ही ये सृष्टि कैसे हुआ है आप इसको विस्तृत रूप में मेरे सामने वर्णन करो, जब उन्होंने बताए तो उन्होंने सुखदेव गोस्वामी ने बताए कहते प्राचीन बहरी का जो पुत्र लोक है वो तपस्या करने के लिए उन लोगों ने समुद्र में प्रवेश किया। अभी जब प्रवेश किया अभी पृथ्वी को कोई देखने वाले कोई है नहीं, इतने में जो पृथ्वी में तृण घास लता पता पूरा ये भर गया, क्योंकि राजा है नहीं। जब ये पूरा के पूरा भर गया इतने में जब उन्होंने समुद्र से निकल करके आए तो उन्होंने देखा पूरा तो सारा दुनिया में लता पत्ता पेड़ पौधा से सब कैसे भरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने देखा क्या करनी चाहिए, सृष्टि कैसे हो, तो उन्होंने सोचा ये अग्नि और वायु को सृष्टि करके जितने पेड़ पौधा को हम जला करके राख कर देते हैं तभी तो कोई सृष्टि कर सकते हैं। जब उन्होंने ये इच्छा की कहते जो वनस्पति जो पेड़ पौधा जो वनस्पति का जो राजा सोम ने प्रकट होकर के बोले देखो अगर ये सबके सब अगर द्रुम लताओं को अगर तुम नष्ट कर दोगे ना फिर ये दुनिया में लोग खाएंगे क्या पिएंगे क्या करेंगे क्या, पेड़ पौधा होते तब तो लोग तो खा पी रहे हैं, अगर उसको नष्ट कर दोगे तो कैसे होगा। इसलिए कहते कहते निषेध कहते वृक्ष का जो पाली था कहते प्रेम लोचा अप्सरा एक स्वरूप कन्या के प्रचेता गण को हस्त में प्रदान किए हैं। तो उन्होंने उस समय में हैं कहते उन्होंने क्या क्या प्रेम लोचा अप्सरा एक कोई थी उसका एक सुंदरी एक कन्या थी कहते उन्होंने ये प्रचेताओं को प्रदान किया। जो क्या प्रचेता लोग प्रसन्न हो गए उसको पा करके, उसके बाद में ये प्रचेत लोगों ने फिर ये दक्ष प्रजापति को इन लोगों ने सृष्टि किया। जब दक्ष प्रजापति को सृष्टि किया तब दक्ष प्रजापति सर्वप्रथम उन्होंने देवताओं को सृष्टि किया, फिर दैत्यों को सृष्टि किया, फिर मनुष्य को भी सृष्टि किया। लेकिन वो जो सृष्टि किया है कैसे सृष्टि किया, पहले ये पति पत्नी मिलन से सृष्टि नहीं होता था, इन्होंने अपना मन से सृष्टि किया, अपना मन से सृष्टि किया, भगवान का आदेश है सृष्टि बड़े मन से सृष्टि किया। लेकिन देखा मन से इनको तो सृष्टि कर दिया लेकिन इसको आगे और सृष्टि बढ़ी नहीं रही, सृष्टि वहीं पर थम गई और बढ़ी नहीं रहा है। इतने में श्री दक्ष प्रजापति ने तब उन्होंने तपस्या करने के लिए गए, भगवान की तपस्या की, भगवान को स्तुति की, तब उन्होंने परमेश्वर सत्य स्वरूप विष्णु बरगर सकल नमस्कार पूर्ण करते समर्थ उन्होंने इनको ये पता चला वास्तविक रूप में एकमात्र जो पुरुष भगवान विष्णु हैं उनको चरण को आश्रय करने पर जीव का जितने इच्छा पूर्ण हो सकता है, कर जो दूसरे दूसरे जो देवादेवियों की उपासना से कोई लाभ होने वाले नहीं। अभी दक्ष का प्रार्थना से भगवान संतुष्ट होकर के अष्टभुजा रूप में ठाकुर जी दर्शन दिए। फिर उन्होंने ठाकुर जी दक्ष प्रजापति का हृदयगत भाव को जान करके कहते एक प्रवृत्ति मार्ग और एक निवृत्ति मार्ग है, दो मार्ग है, क्या मार्ग है, एक प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मतलब भी भोग मार्ग है, निवृत्ति मार्ग मतलब होता है त्याग मार्ग है। तब उन्होंने देखा दक्ष प्रजापति को देखा ये प्रवृत्ति मार्ग में ये जाना चाहता है, इसलिए भगवान अपना बहिरंगा माया को द्वारा हैं कहते अस्फुरंत विषय भोग उन्होंने
प्रदान किया, कर्म मार्ग में निक्षेप किया, उसको बाद में हैं फिर उन्होंने जो सृष्टि है कहते सृष्टि उन्होंने क्या की, फिर उन्होंने प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग नहीं करके प्रवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग मतलब होता है कहते जैसे पति पत्नी का मिलन में संसार का जो भोग करके, तो उन्होंने ये मार्ग उन्होंने जब प्रदान किया फिर देखा ये सृष्टि धीरे 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 अभी जो संसार में सृष्टि हो रहा है, पहले ये पति पत्नी का मिलन से नहीं, वो मन से सृष्टि करते थे। इसलिए उन्होंने प्रजापति पांच जन्यर असलिक नामनी कन्या के पत्नी रूप ग्रहण करिया स्त्री पुरुष रति क्रीड़ा धर्म में दक्षता लाभार्थ वर प्रदान पूर्वक अंतरित होले। तब भगवान ने क्या किया कहते प्रजापति पांच जन्य क्या होगा असली के नाम को कोई एक कन्या को उन्होंने प्रदान किया, दक्ष प्रजापति को प्रदान करने पर फिर क्या हुआ, फिर उनको साथ में उन्होंने ये संसार विषय भोग करके फिर जगत धीरे 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 ये जगत धीरे धीरे सृष्टि होना प्रारंभ हुआ। लेकिन उसको पहले जो सृष्टि था वो सृष्टि था मानस सृष्टि, लेकिन वो सृष्टि विषय जीव धीरे 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 उन्नत नहीं हो रहे थे। इसलिए तब श्री नारद जी वहाँ पर जो दक्ष प्रजापति ने जो सृष्टि किया था कहते उन्होंने जो सृष्टि किया था बच्चों को, पहले क्या होता था सबके सब गुरुकुल में जाते थे, गुरुकुल में जा करके सबके सब शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्होंने 10,000 संतान को उन्होंने सृष्टि किया मन से और उनको गुरुकुल में भेज दिया और उनको नारद जी मिले। तो नारद जी उनको अच्छे तरह से सिखा करके जब वो वापस जाना चाह रहे थे तब उन्होंने बोले एक देखो तुम लोग संसार में जा रहे हो, कम से कम संसार का अंत तो समझो हैं, अगर बगैर उसका अंत नहीं समझते हुए अगर संसार करने जाओगे तो फंस जाओगे। इसलिए नारद जी उनको बड़े कूट प्रश्न किया है, बड़े कूट समझते हो, बड़े गोपनीय उन्होंने प्रश्न किया, बड़े कूट क्या बोलते हिंदी में हाँ उनको बड़े गूढ़ प्रश्न किया। हम एक दो प्रश्न सुन लेते हैं फिर कल अच्छे तरह से हम बताएंगे। ये बड़े गूढ़ प्रश्न किया उनको, एक प्रश्न था ये बताओ तो कहते निर्गमनेर पथ शून्य गर्त, ऐसे कौन सा बिल है जो बिल में प्रवेश कर जाए जिसमें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता, ऐसे कौन सा बोलो ऐसा। हम नारद जी प्रश्न कर रहे हैं ऐसे कौन सा बिल है जिसमें प्रवेश कर तो जिससे निकल नहीं पाते हो। बोले गुरु जी कुछ बिल में घुस जाएंगे तो निकल आएंगे, बोलते यही तो प्रश्न है जिसमें एक बार घुस जाओ जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। कहते वो है ये घर गृहस्थी है संसार है। हम देखना हम सोचते हैं सामने एक कोई समस्या होगा, सोचते हैं शायद एक समस्या खत्म हो जाएगा तो हमारे जो हल खत्म हो जाएगी यार, क्या जैसे पढ़ाई लिखाई किया सोचे शायद पढ़ाई लिखाई अगर नौकरी चाकरी कर ले, पर नौकरी चाकरी कर लिया बोले शादी कर ले, बोले शादी कर लिया उसके बाद में जब शादी कर लिया फिर तो बोले बच्चे जन्म दो, बोले सोचते शायद बच्चों को बड़ा कर दो ना, लिखाई पढ़ा करके बड़ा कर दो फिर तो हमारी कोई चिंता नहीं है, बड़ा कर दिया फिर तो उसको शादीशुदा करा दे, बस शादीशुदा करा देते कर गए तो क्या सोचते हैं अच्छा हो गया शादीशुदा हो गया बस हमारे सारे दायित्व खत्म हो गया, दायित्व खत्म हो गया। बल्कि शादी से बल्कि बच्चे को शादी देने से पहले बल्कि ठीक थे, लेकिन जब शादी दे दिया ना जब बच्चे घर में बहू आ गई, पहले कहीं निकल जाते थे लेकिन घर में बहू आ गई तो बहू को छोड़ कर अकेले कहीं जाए, उसके बाद में सब नातीपति जो हो गया ना और तो बंध गए हैं और बंध गए ना, अगर कहीं जाए बोले डोकरी का कोई काम धाम नहीं, जहाँ इधर उधर घूमती रहती है बच्चे को कौन पकड़ेगा हैं, इधर उधर घूमती रहती है बच्चे को कौन पकड़ेगा, बच्चे को कौन देखेगा, फिर तो बहुत ताना मारने लग जाएगी, ये घूमती रहती है कहीं कहीं। इसलिए आप देखना संसार में आप जो दल दल में जैसे हाथी फंस जाता है ना, ऐसे ही जीव जितना कोशिश करता है उससे निकलने के लिए आप देखना उतना दल दल में फंस जाता है, उतना जितना जितना पुराना होता है आप देखना उतना कहाँ संसार से आसक्ति कम होनी चाहिए, देखना आसक्ति कम नहीं होता है ज़्यादा आसक्ति हो जाता है। अभी बच्चों को क्या होगा,
बहू को क्या होगा, नाती पत्री को क्या होगा, इनको क्या होगा, उनको ये हो गया, उनको ये हो गया, इतने दिमाग में चिंता, जितने जितने निकलने के लिए कोशिश करो उतना ही दल दल में फंस जाती। ये घर गृहस्थी ये ऐसे के भी लेना, एक बार घुस गए तो हो गया काम तुम्हारी, मरने का पहला तक भी दम निकल जाएगा और निकलने का कोई तुम्हारी रास्ता नहीं। ये एक अर्थ है, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है निर्गमनेर पथ शून्य गर्त है। कहते निर्गमनेर पथ शून्य गर्त, ऐसे कौन सा गर्त है जिसमें प्रवेश करने पर जिसमें और निकल नहीं पाओगे, आ नहीं पाओगे। ये एक अर्थ। दूसरा अर्थ जो यहाँ पर बताए, कहते कहते सर्प अंतर्यामी भगवान रे धाम, कितना जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। एक तो हो गया संसार में प्रवेश करेगा तो निकल नहीं पाओगे, लेकिन और एक स्थान है जहाँ पर जाने पर कहते फिर इस संसार में तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, जहाँ पर परम शांति परम आनंद, जहाँ पर आनंद आनंद, जहाँ पर कहते वो क्या है, कहते वैकुंठ लोक प्राप्त होने पर पुरुष आर पुनर्वर्तन करे ना। लेकिन जब जीव भगवान के पास में एक बार चले जाएगा फिर तो वहाँ से और वापस नहीं आएगा। लेकिन संसार रूपी जो बिल इसमें तो घुस गया तो निकल नहीं पाओगे, लेकिन यहाँ पर तो दुखमय है, लेकिन वहाँ पर अगर जाओगे ठाकुर के पास में जहाँ जाने पर फिर तुमको इस संसार में आना नहीं पड़ेगा है। कहते बिल, बिल मतलब होता है पाताल, जेखाने गमन करे व्यक्ति जीवन तहार आसक्ति था कि सही वैकुंठ प्राप्ति जन्य प्रयास करा कर्तव्य। इसलिए भगवान को जो धाम है जहाँ जाने से जीव वापस नहीं आते, हम कोशिश करनी चाहिए एक बार वहाँ जाए और जहाँ से और दुनिया में आए नहीं, जहाँ पर प्रभु का चरण में आनंद ही आनंद प्राप्त करे। हाँ, कहते ऐसे कौन सा नदी है जो नदी दोनों तरफ में एक साथ में बहती है, हैं? एक साथ में बहती है, ऐसे कौन सा नदी है, कहते प्रवाहित नदी उभय दिग में बहती है। कहते ये क्या है, कहते ये जन्म है और ये मृत्यु है, हैं? जैसे हर नदी तो एक तरफ में बहती है, कहते कौन सा नदी जो एक साथ में दो तरफ में बहती है, कहते ये जन्म और मृत्यु। जैसे जन्म हो गए ना, जितना हम बढ़ते जा रहे हैं, हम तो सोच रहे हैं हम बढ़ते जा रहे हैं लेकिन एक तरफ में उतना घटते जा रहे हैं। हम अगर 20 साल हो गया तो हमारा जो फिक्स जो आयु था 20 साल, वो 20 दूसरे तरफ में ख़त्म हो गया। 30 साल हो गए तो 30 साल ख़त्म हो गया, 40 साल हो गए तो 40 साल ख़त्म हो गया। ये जन्म और मृत्यु ये ऐसे एक नदी है जो दोनों तरफ में एक साथ में बह रही हैं। नदी अर्थ सृष्टि और प्रलय, जिन करे सही माया ही उभय तीर वाहिनी नदी, यहाँ पर कहते हैं। और एक अर्थगत जो सृष्टि और जो प्रलय है जो करते हैं उनका जो माया है क्या है, उभय तीर वाहिनी नदी। कहते ऐसे कौन सा हंस है जो विचित्र बात करता है, हैं? ऐसे कौन सा हंस जो विचित्र बात करता है, कहते हमारे शास्त्र पुराण भागवत है ये सब के सब ये क्या करते हैं, ये विचित्र बात करते हैं। कहते ये क्या विचित्र बात करते हैं, ये कौन सा विचित्र बात करते हैं, हम तो कह रहे हैं हमारे संसार ये हमारे घर दुकान मकान ये बीवी बच्चे मैं हम कर रहे हैं। लेकिन शास्त्र क्या कहते हैं, भैया तुम यहाँ के नहीं हो, तुम रहने वाले तो तुम अमृत से पुत्रा, तुम तो रहने वाले ठाकुर जी के पास में, लेकिन भगवान को भूलने का वजह से ये माया के संसार में आ गए। माया मतलब क्या, जो जो चीज नहीं उसको वो चीज बोलना उसको माया है, है? जो माया उसको हम कहते नहीं माया, माया मतलब क्या, जो जो चीज नहीं उसको हम वो चीज कहते हैं। हमारे संसार में कुछ नहीं लेकिन हम पकड़ कर बैठे हुए हैं, पकड़ करके हम बैठे हुए हैं संसार को। इसलिए ये जो शास्त्र वेद पुराण सबके सब विचित्र बात कहते हैं कि तुम भगवान के बच्चे हो, चलो भगवान के पास में वापस चलो, ठाकुर के पास में वापस चलो, जहाँ जाने से फिर यहाँ कभी आना नहीं पड़ेगा। ये विचित्र जो हंस है ये क्या बोलता है, विचित्र बात करते हैं। बोले ऐसा कौन सा चक्र है
जिसको बिना घुमाए अपने आप घूमती है, ऐसे कोई कौन सा चक्र है? कभी ये काल चक्र है, कभी जिसको कोई नहीं घुमा रहे, पता नहीं कब जन्म हुए, देखो फिर बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी चाकरी हो गई, शादीशुदा हो गई, फिर बाल बच्चे हो गए, ऐसे करते 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 बाल सफेद हो गए, आँख में कमजोरी, दांत टूटने लग गए, चमड़ा ढीली ढाली हो गई, फिर राम नाम सत्य हो गया। ये पता नहीं चलता है कि चक्र को घुमा रहे हैं, ये अपने आप ये चक्र घूम रहे हैं सबके सब। कहते सभी का चक्र तो घूमती है, लेकिन एक व्यक्ति का चक्र घूमती नहीं। बोले किसका चक्र नहीं घूमती है? बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं। तस्ते जब कणम ली तो उत्तम श्लोक वार्ता है, जिसका समय भगवान की भजन में, भगवान के नाम में, भगवान की कीर्तन में, भगवान की पूजा पाठ में जो समय को लगाते हैं, उसका चक्र नहीं घूम रहा, उसका चक्र एक जगह में खड़ा है। इसलिए बोले काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास, सारा दुनिया डरते हैं काल को, लेकिन काल किसको डरता है? भक्त को, है विष्णुदास को। इसलिए जैसे हम यहाँ पर बैठ करके हरि चर्चा कर रहे, हरि कथा कर रहे ना, जो काल चक्र डरता है, बोले भैया यहाँ मत जाओ, कि भगवान की कथा कर रहे, ठाकुर को भजन कर रहे, भगवान की भक्ति कर रहे, इसलिए काल का प्रभाव इसको ऊपर में नहीं पड़ता है, हैं? इसलिए काल चक्र डराए देखिया विष्णुदास। इसलिए यहाँ पर ऐसे ही बोले भैया पिता का क्या आदेश है, पिता का आदेश क्या? बोले पिता तो हमको यहाँ लिखाई पढ़ाई करने के लिए भेजा। बोले ये पिता नहीं, जो परम पिता जो भगवान है, इनका क्या आदेश है हमारे प्रति? बोले उनका एक आदेश है, स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातु चित्तम। उनका एक ही आदेश है, हर समय भगवान को याद करो। आदेश क्या नहीं? कभी उनको भूला मत, उनको कभी भूलना नहीं। और आदेश क्या? हर समय उसको याद करते रहो, केवल उनको एक ही आदेश है। अगर एक आदेश को अगर हम पालन कर लिया ना, हमारे परम पिता भगवान की वास, हमारी काम ही बन जाएगा। इसलिए मन मना भव, उनका आदेश यही है, मन मना भव, मत मन मुझे दो, मत भक्त भव, भक्त मेरा बना, माम चाजी पूजा मेरी करो, माम नमस्कुरु, नमस्कार करना तो मुझे ही नमस्कार कर, इसको दर क्या होगा, मेरे को तुम प्राप्त करोगे, यही भगवान का आदेश है। अगर ये आदेश को पालन कर लिया तो बस बैक टू गॉड हेड, फिर तो हम भगवान के पास में चले जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर 10 प्रश्न है, 10 उत्तर है, ये तो मैंने बोला, लेकिन उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बात बताया, यहाँ पर उन्होंने अच्छे, कल ये बात को हम सुनेंगे, ये भागवत में बहुत अच्छी अच्छी बात उन्होंने क्या किया उन्होंने बताया है। ठीक है, हिताई गौर ब्रह्मानंदे हरि हो, श्यामानंद महाराज बोलो। तो तुम लोग कहाँ अंदर में कहाँ चले जाते हो? यहाँ पर बैठ करके तुम माला लेकर यहाँ पर बैठो, कम से कथा सुनोगे तो दो दो बार रिपीट हो जाएगा ना, घर में घुसो, जब माला लेकर ले आओ, बैठ करके कथा सुनो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मैं अपने गुरु पाद पद्मों ओम विष्णु पद अष्टोत्तर पद कृष्ण पद के दान से प्रसिद्ध हो रहे हैं गुरु महाराज की चरण में साक्षात तत्व प्रणाम के तौर पर हरे गुरु को वंच करता हूँ। तत्पश्चात मेरे परम गुरुदेव पद्मों ने मेरे लाभ से विष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर पद कृष्ण पद भक्ति विदान दत्त नारायण गोस्वामी महाराज वैष्णव कि जो पाप कर्म है वो अगर पाप हो भी जाए तो उसको मृत्यु से पहले मरने से पहले जथा योग्य समय से पहले उसको प्रायश्चित कर देना पड़ेगा। अगर वो हमने ठीक से प्रायश्चित नहीं किया तो फिर बाद में दुगना पाप और दुगना उसको कर्म को करना पड़ेगा। अब यहाँ पे बता रहे थे कि
कार्यसिद्धानि चिन्हानि नारायणं पराशुभं न निष्कुणन्ति भवेन कार्यं सुरामुखं रामस्य सुरामुखं रामतः कि उदाहरण दे रहे हैं कि सुरागुंप निवापकान कि जिस प्रकार के एक मिट्टी के पात्र है और वो मिट्टी के पात्र में सुराग मदिरा रख दिया है और उस मिट्टी के पात्र में जब मदिरा रख देते हैं पूरा का पूरा अपवित्र हो जाता है और उसको उसके कान करने है वो सुराग प्रवेश कर जाता है मदिरा तो उसके बाद उसको अगर हर तीर्थों में लेके हर नदियों में उसको अच्छी तरह से धोने से भी वो पवित्र नहीं होता। उसी प्रकार का ही यहाँ पे उदाहरण देते हुए बोलते हैं लेकिन हर प्रकार का जो कर्मकांडीय मार्ग है हर प्रकार का कर्मकांडीय मार्ग से प्रायश्चित कभी भी पाप का नहीं हो सकता पूर्ण रूप से नहीं हो सकता। तो फिर वो प्रश्न उठा रहे हैं कि प्रायश्चित होगा कैसे तो यहाँ पे बोलते हैं कि केवल एकमात्र भक्ति के द्वारा ही ये प्रायश्चित हो सकता है। भक्ति के द्वारा कोई अगर सच्चे मन से भक्ति करेगा और मन को भगवान के चरण बिंदर में लगाए तभी उसका प्रायश्चित हो सकता है। तो वहां से फिर आगे बोले कि शत्रुघ्न कृष्ण पदारविंदय निवेशित तद् गुणरागीन्द्रियः न ते जमुत्पात कृते चतश्चा स्वप्ने अपि पश्यन्ति हि चित्तं स्थितं स्वप्ने अपि न पश्यन्ति कि स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। क्या नहीं देखते हैं और क्या करें तो कि शत्रुघ्न कृष्ण पदारविंदय एक बार अगर शत्रु अर्थात एक बार अगर कोई भगवान के चरणामृत में अपने मन को लगाया तो उसको क्या फल है कि स्वप्ने अभी न पश्यन्ति स्वप्न में भी वो न पश्यन्ति नहीं देखते हैं। किसको बोले कि जम महाराज जी और पार्श्वदूतश्च उनके जो पार्षद मतलब जमदूत और जमपाल कालपाल ये सब उनको स्वप्न में भी नहीं देखा जाता है। तो यहाँ जितना चक्रवर्ती ठाकुर बोल रहे हैं उनको तो ये सब स्वप्न में भी नहीं देखते हैं। इसका मतलब बोल रहे हैं कि इनको साधारण रूप में इनका कोई जम से साक्षात नहीं होता अगर कोई एक बार अगर भगवान का शुद्ध नाम को ग्रहण करे तो। फिर यहाँ पे उदाहरण देते हुए बता रहे हैं प्रश्न उठा रहे हैं कि अगर कोई शुद्ध भक्त हो और उसके अंदर में भी कभी अकस्मात अगर कोई पाप बन जाए तो उसका फल क्या होगा तो कभी कभी पाप बन सकता है। तो यहाँ पे उदाहरण देते हुए बता रहे थे कि जिस प्रकार एक सर्प होता है उस सर्प का सारे के सारे जहर उसके दांत में रहता है अगर उसके दांत निकाल दिया जाए और वो बार बार भी डस ले तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसी प्रकार का ये भगवान भक्ति इतना प्रकार उसके हृदय में होता है तो उसको थोड़ा सा थोड़ा पाप अगर बन भी गया तो भगवान कृपा करते हैं भगवान उसको देखते नहीं। फिर आगे बता रहे हैं कि इसी प्रकार का जो पाप और प्रायश्चित के जो बारे में सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज से हे परीक्षित महाराज के पूर्व में ऐसे जमदूत और विष्णुदूत के एक इतिहास है वो एक उपाख्यान है उसको आप श्रवण करो कि कामनकुप चेतता कश्चित दासीपतिर अजामिलम नामना नष्ट सदाचारम दास्य संसर्ग दूषिता कि एक समय के बाद कामनकुप एक नगर का नाम है एक राज्य का नाम है उसी राज्य में एक दासीपति दासी अर्थात अपने पत्नी को छोड़ के कोई दूसरे मित्र या कोई दूसरे औरत को दूसरे स्त्री के साथ रहना तो दासी पति अजामिला वही दासी का पति अजामिल रहता था। उसका स्वभाव कैसा था कि नष्ट सदाचार उसके सारे के सारे सदाचार नष्ट विहीन सदाचार नष्ट था और सब जितने के जितने अपकर्म वो कर रहा था बड़े बड़े पाप वो कर रहा था। किस प्रकार वो जुआ खेलता था किस प्रकार वो रास्ते में किसी को भी देखता था वो लूटपाट करके उसके साथ छीना छापी करता था उसको सारे के सारे सर्वस्व उसके संपत्ति को लूट लेता था। फिर इस प्रकार का बहुत सारा अपकर्म चोरी डकैती इत्यादि करते हुए वो अपने जीवन को चला रहा था। तो उसके काल क्रम से उसके 10 पुत्र हुए और उसने किस प्रकार से थोड़े से स्वीकृति से वो पहले ब्राह्मण था तो इसलिए उसका थोड़ा स्वीकृति से उसने अपने छोटा बेटा का नाम नारायण रख दिया। ऐसे करके करके उसको 88 साल हो गए। 88 साल के बाद यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई कोई बोलते हैं कि संत लोग उनके घर में आते हैं कभी प्रसाद पाने के लिए तो इनके पत्नी ने उनको बहुत सेवा करते हैं तो संत लोग इनको बोलते हैं कि हम तो तुम्हारे अर्थ ग्रहण करे हैं अब तुम एक काम कर देना कि तुम्हारे अभी जो उनके अजामिल का जो पत्नी है वो अभी उस समय गर्भवती था तो
वो बोलते हैं कि आप ये जो पुत्र है, ये पुत्र का नाम इसको नारायण रख देना। तो उसी कारण से भी एक कारण बुद्ध बता रहे थे कि उसको वो पुत्र का नाम नारायण रखा। लेकिन हमारे सिद्धर स्वामी यहाँ पे टीका पे बता रहे हैं कि उन्होंने सारे जीवन भजन किया, मतलब किस तरह भजन किया, भगवान का नाम किया, मतलब हर समय जो अपने छोटे पुत्र से किस प्रकार का वो प्रेम करता था, किस प्रकार का वो स्नेह करता था। तो कुछ भी हो तो अपने छोटे पुत्र को बुलाता था, खाने के समय, पीने के समय, उठने के समय, जगने के समय, हर समय पुत्र में इतना आसक्त था, बस हर समय नारायण नारायण करता था। तो मानो एक दृष्टि से वो हर समय प्रभु का नाम ले रहा है, भगवान का नाम ले रहा है। जब 88 साल के बाद उसका जब मृत्यु सामने आते है, जब वो मृत्यु के नजदीक देखता है, तो वहां पे 3 जमदूत उसको लेने के लिए आते। तो यहाँ प्रश्न उठते हैं 3 जमदूत क्यों लेने आए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने जो पाप या पुण्य करता है, 3 कार्य के द्वारा करता है, 3 इंद्रिय से, काय मन और वाक्य। काय शरीर से करता है, मन से करता है, और अपने वाणी से करता है। इसलिए वहां पे 3 जमदूत वहां पे उपस्थित हो गए और काल भाग देके उसको जो शरीर से आत्मा को निकालने लगे। और वो जमदूत देखने में कैसे थे, श्रीमद् भागवत में वर्णन आ रहा है कि बड़े विकटाल स्वरूप था उनका मुख, बड़े उनका मुख टेढ़ा मुख, बता रहे कि टेढ़ा कैसे उनका मुख था, और उनका केश खड़ा खड़ा था, और उसी प्रकार के बड़े भयंकर देखने में। तो उनको देखते ही अजामिल ने बड़े डर गया। और जिस समय वो उसके शरीर में जो सुक्ष्म शरीर से आत्मा को निकाल रहे थे, तो इसी गरुड़ पुराण में वर्णन आता है इसके बारे में। गरुड़ पुराण बता रहे हैं कि किस प्रकार के जो एक शरीर में जो आत्मा है, वो आत्मा को निकालने में किस प्रकार कष्ट होता है। जिस प्रकार एक बिच्छू अगर कोई डंक मारे तो कितना कष्ट होता है, उसी प्रकार से 10,000 बिच्छू अगर एक जगह पर डंक मारते हैं तो उसी प्रकार का कष्ट होता है आत्मा को, ये गरुड़ पुराण में बता रहे हैं। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार उन्होंने जब जमदूत ने जब उसको काल पास लगा के खींचने की कोशिश किया, तो यहाँ बता रहे हैं कि हमारे जो जन्म जन्म के जो अनुभूति है, इसलिए वो कभी जमदूत को देखते ही कोई व्यक्ति कभी मरना नहीं चाहते। क्यों मरना नहीं चाहते, तो बोलने के हमारे जन्म जन्म में हम वही जन्म मृत्यु करके ही आए हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि से गुजरते हुए आए। तो हमारे जन्म जन्म का जो अनुभूति है वो हमारे अंदर है, इसलिए हम कोई मरना नहीं चाहते। तो बड़े कष्ट होता है जब आत्मा को शरीर से निकाला जाता है। तो जब कालपात लगा के खींच रहे थे उसी समय और डर के मारे वहां पे क्या हुआ कि दूरे कीड़ा न सक्तम पुत्र नारायण प्लावितेनम राजू भागोपजित्रिय कि राजू हा कि व्याकुल हो गया, बड़े व्याकुल हो गया। और क्या दूरे कीड़न आसक्त कि दूर में देखा कि कीड़न आसक्त, कीड़न मतलब खेल में आसक्त उसका पुत्र नारायण, उसका जो नारायण नाम का जो छोटा पुत्र जिसको बहुत स्नेह करता था, हर समय उसको बुलाता था, उसी प्रकार ही किसी समय भी वो भय से क्या किया कि वो दूर में जो खेलते हुए पुत्र को नारायण बोलते उच्च स्वर में उसको बुलाया। तो यहाँ पे बुद्ध बोलने के किस प्रकार के 3 स्वर होता है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और रुद्र स्वर। तो उदाहरण देते हुए बोलने थे कि जिस प्रकार के वो कुछ अगर मुर्गी जिस प्रकार का स्वर निकालते हैं उसको रुद्र स्वर बोला जाता है। तो उसी प्रकार का उसने रुद्र स्वर में उच्च स्वर में हा नारायण हा नारायण करके वहां पे अपने छोटे पुत्र को बुलाया। तो जब ऐसे छोटे पुत्र को उन्होंने बुलाया तो अकस्मात वहां पे 4 विष्णुदूत प्रकट हो गए। बोले 4 विष्णुदूत क्यों कि भगवान की जो नारायण शब्द है वो नारायण 4 है, तो 4 लेटर में, इसलिए तो 4 में वो भगवत पार्षद है वो वहां पे प्रकट हो गए। वो सोचे कि मानो ये अभी अंतिम समय में मृत्यु समय में हमारे प्रभु नारायण का नाम लिया और अंतिम समय में ये भजन कर रहा है। तो ऐसे करके उन्होंने जब 4 विष्णुदूत वहां पे प्रकट होकर बोल रहे हैं कि माँ भयो तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम आ रहे हैं अभी तुमको सारे कष्ट से रक्षा करेंगे, हम अभी तुमको रक्षा करने के लिए आ गए। तो वहां पे बता रहे हैं 4 विष्णुदूत वहां पे क्यों उपस्थित हुए, प्रश्न उठा रहे हैं। तो इसमें बता रहे हैं कि
उनको लगा कि अंतिम समय में बड़े बड़े मुनि तपस्या करके बहुत बड़े बड़े मुनि ध्यान करते भी अंतिम समय में उनको भगवान का नाम रूप में नहीं आता। कम से कम ये अंतिम समय में भगवान को नारायण हमारे प्रभु को बुलाया और जिसके कारण से इसका सारे के सारे पाप का जो प्रायश्चित और नष्ट हो चुका है, इसीलिए उन्होंने अभिनव में वहां आगे। तो यहाँ पे प्रश्न उठता है, बोले वो थे कहाँ पे? तो बोलने के वो हर जगह विचरण करते रहते हैं, हर जगह विचरण करते हैं, जो भी भगवान का भजन करते हैं उसको उनको अपने वैकुंठ दिव्य विमान में बिठा के भगवान के धाम को ले जाते हैं। ये उनका सेवा है, ये उनका कार्य है जो विष्णु दूत है। तो विष्णु दूत जैसे आके उनको बोले कि माफ हो, अब डरने की जरूरत नहीं है, अब तो हम आ गए हैं। और उन्होंने जब विष्णु दूत और जमदूत, तीन चार विष्णु दूत और तीन विष्णु दूत के आमने सामने हुआ उनकी चीज, फिर बातचीत हुआ। विष्णु दूत जमदूत को बोल रहे हैं कि सावधान, छोड़ दो उसको, सावधान हो जाओ, अगर तुम अगर अपने प्राण की रक्षा करना चाहते हो तो कोई अजामिल वैष्णव को छोड़ दो। तो यहाँ पे अजामिल को वैष्णव संबोधित किया। वैष्णव कौन है? जो भगवान विष्णु का आराधना करता है। तो लोग सुनने कि इतना पापी को ये वैष्णव कुल के संबोधित कर रहे, बोले ये कौन है? हाँ, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जमदूत सोच रहे हैं कि अभी तक हमने जितने भी शरीर को, जितने भी आत्मा को हमने काल खान से खींच के ले गया, आज तक तो ऐसा कोई नहीं हुआ कि हमको आगे कोई रोक दिया, लेकिन ये पहले बार ऐसा हो रहा है कि ये चारों बेचारों पता नहीं कहाँ से आ गए और हमको अभी रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं कि प्रश्न कर रहे हैं कि तुम लोग तो दिखने में बड़े सुंदर हो, तुम लोग कौन हो? तो वहां पे जो जमदूत बोल रहे हैं कि देखो हम धर्मराज जम के दूत है और हमारे भगवान धर्मराज है। ओ धर्मराज, ओ हर समय देखते रहते हैं कि कौन किसने पाप किया और कौन किसने पुण्य किया। अब हम उनके आदेश से यहाँ पे आए हैं, आप कौन होते हो जो धर्मराज के आदेश को निषेध करने वाले? इसलिए वहां पे बता रहे हैं कि वो विस्मित होकर उनको देखने लगे कि ये लोग तो बड़े सुंदर है लेकिन काज इनका अशिष्टाचार है। तो यहाँ पे बोलने की सर्वे, वो लोग दिखने में कहते हैं कि सर्वे पीत कोसे बात कृतिन कुंडलिन सर्वे पद्म पदार्थ बड़े सुंदर मुकुट है, कुंडलिनो उनके कान पे बड़े सुंदर कुंडल है और लसत पुष्कर माना, लसत पुष्कर पद्म के जो कमल के जो पुष्प का माला उन्होंने धारण कर रखा है। तो इसी प्रकार वो बड़े सुंदर देखे हैं और चतुर्भुज रूप धारण करके वहाँ पे नव किशोर जो जिस प्रकार भगवान के स्वरूप है, भगवान के भक्त का भी भगवान के दूत का भी उसी प्रकार के स्वरूप में वहाँ पे प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुए तो ये बड़े तेजस्वी थे, इनके शरीर से दिव्य ज्योति निकल रहा था। तो उसी समय पे जगह अंधकार था, तो जैसे चार विष्णु दूत प्रकट हुए वहां पे पूरा का पूरा उज्जवल हो गया, अंधकार दूर हो गया। तो यहाँ पे जमदूत लोग पूछ रहे हैं, जैसे प्रश्न कर रहे हैं, मानो कि ये लोग तो देखने में बड़े सुंदर हैं लेकिन ये हमारे धर्मराज के आज्ञा को निषेध कर रहे हैं, हमको रोक रहे हैं। तो ये देखने में सुंदर है लेकिन इनका कर्म बड़ा अशिष्टाचार है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, तो विष्णुदूत बोल रहे थे, विष्णुदूत आगे बोलने लगे कि मैं किस प्रकार से विष्णुदूत बोलने लगे, यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं, उपमा कर रहे हैं कि मेघा ने हृदया गिरा, कि जिस प्रकार से मेघ गर्जन करता है उसी प्रकार उनके कंठ से, उसी प्रकार गर्जन से वो विष्णुदूत को देख के बड़े गर्जन किए और बोलने लगे कि देखो हमारे डर से तुम बोल रहे हो हम धर्म के धर्मराज के दूत है लेकिन वास्तव में तुम धर्मराज के दूत हो ही नहीं सकते, तुम लोग तो प्रेत हो, तुम लोग भूत पिशाच हो। इतना सुनके फिर वो जमदूत बोलने लगे कि अरे हम तो धर्मराज के ही दूत है, हम जम महाराज के ही दूत है। तो यहाँ विष्णु दूत बोले अगर तुम धर्मराज के दूत हो
तो बताओ धर्म का क्या स्वरूप है और धर्म दंड जो दंड का विधान है जो दंड है दंड का जो विधान है वो किसको किसको दंड दिया जाता है और किसको किसको दंड नहीं कौन कौन सा कर्म करने पर किस किस प्रकार का दंड मिलता है ये सब बताओ और प्रश्न कर रहे हैं कि क्या जानवर को भी दंड दिया जाता है क्या बस जानवर को दंड दिया जाता है क्या फिर आगे प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा मनुष्य है जिसको दंड दिया जाता है और जिसको दंड नहीं दिया जाता है तो इसी प्रकार जब बोले तो वहां पे बता रहे हैं कि जानवर को दंड नहीं दिया जाता है क्यों जानवर को दंड नहीं दिया जाता है एक जानवर के अंदर उसी प्रकार कर्म उसके शरीर में नहीं होता है जिस प्रकार बुद्ध उदाहरण देते हुए बोले थे कोई शेर अगर कोई हिरण को खा ले कोई हिंसक जंतु अगर कोई जीव हत्या करे तो वास्तव में जीव हत्या तो पाप होता है लेकिन जानवर को पाप नहीं लगता क्योंकि वो उनके आहार होता है वो उनको ही खाएंगे क्योंकि उनके लिए वही सृष्टि हुआ है इसीलिए उनको ये पाप पुण्य विचार नहीं है लेकिन जो मनुष्य शरीर है वो उसमें कर्म का जो चक्र है उसमें घूमता है उसमें पाप और पुण्य का विचार है मनुष्य शरीर में फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो दंड है वो केवल मनुष्य शरीर में ही हो सकता है अन्य कोई शरीर में नहीं हो सकता है तो उदाहरण देते बोल रहे हैं कि जिस प्रकार में दंड है वो मनुष्य शरीर में होता है कि जब लोग बोलते हैं कि देखो तुम बताओ धर्म का स्वरूप क्या है जब इन्होंने विष्णु दूत ने पूछा धर्म का स्वरूप बताओ तो ये बोले कि वेदो प्रणहिता धर्मो कि अधर्म तद्विपर्यय वेदो नारायण साक्षात्म कि वेदो प्रणहिता धर्म वेद में जिस जिस कर्म को आज्ञा दिया गया है विधि बोल विधि और विशेष को बोला गया है वही धर्म है वेद में जिस चीज को वेद में जिस चीज को विधि बोला गया है वही धर्म विधि बोला गया है वही धर्म है और वेद में जिस चीज को निषेध किया गया है वो अधर्म है तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि तो वेद कहाँ से प्रकटित हुआ कि वेदो नारायण साक्षात कि वेद साक्षात भगवान नारायण के द्वार से प्रकटित हुआ तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं हम जिस जो जो भी कर्म कर रहे हैं उसका सबके सब साक्षी रहते हैं तो यहाँ पे जब लोग एक एक करके साक्षी बता रहे हैं किस प्रकार हम दिन में जो कर्म करते हैं उनका साक्षी सूर्य रहते हैं रात में जो चीज करते हैं उनका साक्षी चंद्रमा रहते हैं तो इस प्रकार अनेक अनेक उदाहरण देते हुए बोल रहे हैं किस प्रकार पृथ्वी साक्षी रहते हैं जल साक्षी रहते हैं वायु साक्षी रहते हैं अग्नि साक्षी रहते हैं संध्या और सूर्य चंद्रमा दिवस रात्रि इत्यादि हमारे साक्षी रहते हैं अगर कोई बोलेंगे कि हम छुप करके कोई पाप कर्म कर लेंगे तो कभी भी कर नहीं सकता क्योंकि ये सारे के सारे जो देवता लोग भी ये लोग भी साक्षी रहते हैं यहाँ पे बता रहे तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसको उसी कर्म का फल उसको भोगना पड़ेगा और यहाँ पे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कोई जीव बिना कर्म करके रह नहीं सकता इसको भगवान गीता में भी बोल रहे हैं कि नहीं कर शिक्षण सर्वे इसलिए कोई भी कर्म नहीं करके रह नहीं सकता तो सबको कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा तो यहाँ पे बता रहे हैं कि प्रमाण क्या है तो यहाँ पे जमदूत बता रहे हैं कि एक व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा तीन जन्म के अनुमान लगा सकता है एक व्यक्ति अपने जन्म के द्वारा तीन जन्म पहले वाले तीन जन्म का अनुमान लगा सकता है मतलब किस प्रकार की अगर इसी जन्म में उसको बड़े सुंदरता उसको प्राप्त हो गया दिखने में बड़े सुंदर है तो मानो वो पहले जन्म में कुछ कर्म किया इसी जन्म में अगर वो बड़े किसी धनी व्यक्ति के पास अगर जन्म हो गया और कितना तो वो पहले जन्म ने बड़े सुकर्म किया था और पहले जन्म में कुछ उल्टा कुछ सीधा कर्म किया तो इसी जन्म किसी गरीब के व्यक्ति के यहाँ जन्म होते तो गुरुदेव इस प्रकार बता रहे थे किस प्रकार कोई कोई व्यक्ति देखा जाता है कि बड़े बड़े धनी बड़े बड़े पैसे वाले के घर में जन्म लेते हैं और कोई कोई व्यक्ति वही व्यक्ति बड़े गरीब के घर में जन्म लेते हैं किसी को कोई कोई तो बड़े पैसे को ऐसे लुटाते हैं और किसी को खाने के लिए कुछ मिलता ही नहीं फिर यहाँ पे गुरुदेव बता रहे किस प्रकार अगर एक ही धर्म में
अपने कोई पिता का अगर 5-7 पुत्र हो तो उनके सबको सबके कर्म है वो अलग अलग होता है। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म का जो संस्कृति है, पूर्व जन्म ने जो कुछ कर्म किया उस पाप और पुण्य के फल के स्वरूप किसी जन्म में उनको उसी उसी प्रकार का चीज प्राप्त होता है, जिसको भगवान में गीता में बोलते हैं प्राप्त पुण्य प्रदान सूचना श्रीमता योग प्रस्थान न जाए। तो यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे एक उदाहरण, एक स्टोरी के माध्यम से गुरुदेव बता रहे थे कि हमारे महाराज एक उदाहरण देते हुए, कोई दो व्यक्ति थे जो पढ़ने के लिए बहुत काशी गए और काशी में बहुत विद्वान बहुत पंडित थे, वहां पे उन्होंने विद्या अध्ययन किया 25 साल तक वहां पे विद्या अध्ययन करके जब लौट रहे थे तो एक गाँव में गए, तो एक गाँव में एक गुरु शिष्य रहते थे उनके नीचे उन्होंने उसी दिन रात वहां को गुजारा। तो वहां पे एक सब राम नाम सत्य बोलते जैसे नारा लगाते वो ले जाते हैं, एक सब को अंतिम संस्कार करने के लिए ले जा रहे थे। तो उसी समय वो गुरु बोलते हैं चेला को कि देखो जाके देख के आओ ये नरक गया या स्वर्ग गया। अब ये जो दोनों थे सोचने लगे हम तो इतना पंडित बन गए इतना वेद अध्ययन गए लेकिन हमको ये पता नहीं मृत्यु के बाद कौन सा व्यक्ति नरक जाता है और कौन सा व्यक्ति स्वर्ग जाता है पता, ये हम सीखे ही नहीं। तो उसके बाद और एक अंतिम संस्कार जो यात्रा करके ले जाते हैं कि राम नाम सत्य है उनके, तो वहां पे गुजरा तो फिर गुरु पूछते हैं कि जाके देखो ये स्वर्ग गया या ये नरक गया। तो पहले वाले जो शिष्य पहले जो देख के आए थे तो शिष्य ने बोल दिया कि गुरुदेव ये स्वर्ग गया, और दूसरे वाले जो लास्ट को देख के वो बोल दिया कि ये गुरुदेव ये तो नरक गया। अब ये दोनों फिर सुन रहे थे ये बात को फिर डर गए, बोले हमको इतना विद्या अध्ययन किया काशी में लेकिन हमको ये पता नहीं कि कौन से व्यक्ति स्वर्ग में जाता है और कौन से व्यक्ति नरक में जाता है। तो उन्होंने जाके पूछा बोले बताओ आपको कैसे पता चला कि ये स्वर्ग गया और ये नरक गया। तो गुरुदेव बोलते हैं गुरु जी उसका बोल रहे हैं कि किस प्रकार अगर व्यक्ति किस प्रकार का कर्म करता है उसी उसी मात्रा में वो स्वर्ग नरक का डिसाइड होता है। तो जिस समय उसको चेले को भेजे पहले वाले जो अंतिम संस्कार करने का जो राम नाम सत्य करके जो निकल रहा था क्लास को, तो उसके गांव में गया। तो उसके गांव में जब गया तो सब लोग बात कर रहे थे अरे ये बड़े अच्छे व्यक्ति था ये चला गया समाज के बहुत सेवा करता था। तो उसका पाव वाव करने लगे तो सबके सब वो वनदेव स्वर्ग गया। फिर दूसरे वाले में बता रहे हैं कि उसके गाँव में फिर से गया ये क्या करता था बोले ये इसको मरने के बाद सब लोग बोले अच्छा हुआ मर गया बहुत बहुत लड़ा सारे के सारे कुकर्म कर रहा था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो नरक गया। तो इसी प्रकार के गुरुदेव उदाहरण देते हैं कि किसी व्यक्ति बिना कर्म करते हुए नहीं रह सकता और जो कर्म करता है उसी कर्म से ही उसको इस जीवन में सूची नाम श्रीमता जो नवी जाए इसी प्रकार से उसको इसी जन्म में बड़े सुंदर धनी के व्यक्ति में गरीब के घर में और सुंदरता ये सब उसके इसी जन्म में प्राप्त होता है। तब यहाँ जमदूत बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे आए क्यों इसको लेने क्यों आए। तो इसका अजामिल का पूर्व जन्म का चरित्र बता रहे हैं कि किस प्रकार के अजामिल ब्राह्मण था बड़े सत्यनिष्ठ था हर समय जो सत्य को बोलने वाला और मंत्रवेत्ता था मंत्रज्ञ था और बड़े पवित्र था। फिर इसका स्वभाव बड़े उत्तम कुटी का था और शास्त्र के साथ सारे के सारे शास्त्र को ये ठीक ठीक से जानने वाला था और गुरु अग्नि और अतिथि को ये बड़े सत्कार सेवा करता था और उसके अंदर निरंकार उसके अंदर अहंकार नहीं था और उसके अंदर क्या था ना सुहृद भाव सबको एक जैसा मान के चलने वाला भाव था साधुता था उसके बाद ईर्ष्या शून्य उसके मन में कोई किसी के प्रति द्वेष नहीं था ईर्ष्या नहीं था और सर्वभूत में हितज्ञ सबके और जो हित करने वाला था इसी प्रकार के सारे गुण उसमें था। इतना जिस एक बोलते हैं कि एक व्यक्ति में जितना गुण होना चाहिए वो सारे के सारे गुण उसके अंदर था सदाचार संपन्न था। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये ऐसा हुआ कि पाप करने लगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि किसी एक समय
इसके पिता के आज्ञा से ये वन में जा रहा था और वन में विचरण करते वन में यज्ञ के लिए फल फूल और वनजात द्रव्य समिदा आदि संग्रह करना पड़ता है। तो वो संग्रह करने जा रहा था तो उसी समय ये क्या देखा कि एक शूद्र और एक शूद्राणी वेश्या के साथ वो बड़े शराब पी के उसके साथ मिलन कर रहा है। तो उसके जो कुदृश्य मतलब वो जो खराब चीज को देख के वो उसमें वशीभूत हो गया और वेश्या के प्रति वशीभूत हो गया और अपने इंद्रियों को संयम नहीं कर पाया। शास्त्र के तो था लेकिन सारे के सारे शास्त्र को वो शास्त्र के बल से वो दमन करने की कोशिश किया लेकिन वो सफलीभूत नहीं हो पाया और अपने इंद्रियों को दमन नहीं कर पाया और बस एक दृष्टि से ही वो भ्रष्ट हो गया और वेश्या के प्रति वो आसक्त हो गया। फिर बाद में यहाँ पे बता रहे हैं कि किस प्रकार वो वेश्या को फिर अपने बाद में हर अपना ब्राह्मण धर्म को त्याग करके अपने पत्नी को त्याग कर दिया और बाद में उसी वेश्या के साथ रहने लगा। अपने पिताजी के जितने भी संपत्ति था वो सारे के सारे संपत्ति को लेके उसी वेश्या को देने लगा और उसी वेश्या शूद्राणी के साथ वो जीवन मतलब वो अमेत्य खाने लगा। जो चीज नहीं खाना चाहिए वो चीज को खाया और शरापान किया और उसी वेश्या के साथ रमण किया और सारे के सारे जो पवित्रता उसका नष्ट हो गया था अपवित्र हो गया। और उसके बाद बोल रहे हैं कि जितने धन संपत्ति था सोना चांदी अलंकार था वो सारे के सारे वो वेश्या को दे दिया और उसको हर समय वो वेश्या के प्रति इतना आसक्त हो गया कि वो वेश्या को छोड़ के रह नहीं पाया और पाप कर्म करने लगा। धीरे धीरे ब्राह्मणता से वो भ्रष्ट होने लगा। फिर यहाँ पे बता रहे हैं कि उसके काल क्रम से 10 पुत्र होते हैं। अब 10 पुत्र को चलाने के लिए तो घर चलाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इसलिए वो चोरी करता था जुआ खेलता था किसी व्यक्ति का धन को अपहरण कर लेता था लूटपाट करता था डकैती करता था इस प्रकार के वो बहुत बड़े बड़े पाप करने लगा। लेकिन पाप तो किया तो पहले हमने जिस प्रकार श्रवण किया अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो मृत्यु से पहले समय रहते उसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए लेकिन ये पाप करते गया और उसका कभी भी ये प्रायश्चित नहीं किया। तो जब प्रायश्चित नहीं किया तो अंतिम समय में जब ये अंतिम समय आया तो हमारे भगवान जो जमदूत बोल रहे थे हमारे भगवान जो जम महाराज वो सारे के सारे व्यक्ति को देखते हैं कि कौन सा कोई पाप कर्म करता है तो हमको उन्होंने भेजा और हम अभी काल खास से इसको जमदूत के पास जम महाराज जी के पास ले जाएंगे। तो ये बात को जो जमदूत ने किसको बोला विष्णुदूत को तो विष्णुदूत फिर बोल रहे हैं कि विष्णुदूत कौन है कि यहाँ पे बता रहे हैं कि विष्णुदूत इनसे भी श्रेष्ठ है क्योंकि सारे के सारे धर्म को ठीक ठीक तरीके से विष्णुदूत जानते हैं। तो विष्णुदूत बोल रहे हैं कि अहो कष्टम मध्यम दशा अधमम सुतते समा अहो आचार्यों को बोल रहे हैं कि तुम ये क्या चीज कर रहे हो क्या बात बोल रहे हो कि अधर्म संस्कृत स्वभाव कि जो धर्म का स्वभाव है धर्म के स्वभाव में तुम अधर्म को घुसा दिया कि धर्म और तुम्हारे ये बात सुनके हमारे कान में पीड़ा होने लगा है तुम्हारे ये बात को सुनके हमारा कान भी अपवित्र हो गया और हमारे कान में पीड़ा होने लगा है। फिर यहाँ पे बोल रहे हैं कि अजामिल सारे पाप से नष्ट हो गया था अजामिल के सारे पाप नष्ट हो गया किस प्रकार का नष्ट हो गया जब वो अंतिम समय में भगवान का नाम ले लिया तो मानो वो सारे के सारे प्रायश्चित कर लिया। कि यहाँ पे बता रहे हैं तो तुम लोग बोल रहे हो कि तुम बड़े बड़े हर समय बोल रहे हो दार भी बोल रहे हो कि हम जम महाराज के जमदूत हैं जम धर्मराज के दूत हैं धर्मराज के दूत हैं तो बताओ धर्म महाराज के जो दूत है धर्मराज में जो सारे के सारे धर्मों को ठीक ठीक से जानते हैं और सारे के सारे धर्मों को विशेष रूप से पालन करते हैं वही धर्म महाराज है वो उनका विचार है। तो ये जब उन्होंने बोला तो यहाँ पे जमदूत ने धीरे ये आगे कल कर लेंगे।